मैं सोनी दीदी के लिए ये हलवा बना रही हूँ। ओके गाइस, अब हम निकल रहे हैं सबके सब। ये हमारी वीडियोस में डेली फीचर करती है, बंदी एक पैसा नहीं लेती, बहुत सेल्फलेस है। ओए लखनीत, आज मैं इन दोनों को लेकर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम लोग काफी टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर मैं इनको मिस करूंगी, इनके साथ आउटिंग मिस करूंगी और मैं डॉग्स को भी खाना नहीं दे पाऊंगी, पालक नहीं दे पाऊंगी गाय को, इसलिए मैं आज सारा काम कर रही हूँ दोनों के साथ। ये और तेज भाग रहा है, चलो 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 चलो। ब्राउनी हमारा बहुत सीधा है, वो शांत रहता है बाहर आकर, और ये तो भाई गुची को कुछ हो जाता है। गुची का मैं यही फेस मिस करूंगी, इसको घुमाता रहियो डेली, समझा? तुझे लगता है मैं नहीं घुमाऊंगा? तू खुद ही घूमता रहेगा। मैं तो घूमूंगा। ये तो एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये कहीं नहीं जा रहा, एक हफ्ते के एक दिन नहीं, घर पर ही रहेगा ये। भाभी सच में एक भी दिन नहीं है ना? नहीं, बस अब मैं जा देना दुख में। ठीक है, गुड। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कुत्ते हैं, यही नहीं है, कम से कम 12 कुत्ते हैं, लेकिन दिख नहीं रहे भैया, इनको आवाज़ दे देना यहाँ से। सुबह सुबह हम लोग आते हैं, आज लेट हो गए, 11 बज गए आते आते, इसलिए अदरवाइज हम सुबह ही आते रहे, इसलिए ज़्यादा भूख है, इसलिए ज़्यादा भूख है। नहीं, यहाँ पर लोग देते रहते हैं, ये इनकी माँ है जिसने बच्चे दिए हैं काफ़ी सारे। तो उसको तो पहले ब्रेड ही खा लेता। नहीं, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं। इन्होंने ब्लैंकेट यहाँ पर रख दिए, यहाँ और वहाँ। जब तक हम गए थे इन्होंने क्या हाल मचाया तेरा, ब्राउनी और गुची ने। देख गुची बाहर निकला, पकड़, रोने लग गया था। गुची को लाना ना बड़ा ही डिफिकल्ट है सच में। गुची गाड़ी में फंस गया। तूने सीट पीछे करी है क्या? मेरा बेबी, मेरा बेबी प्यारा बच्चा है। पालक दे रहे, अभी थोड़े दूर। टाइट क्यों बांधा है इनको? ये शायद वो है, ये मारेंगे इसलिए। नहीं नहीं यार, तो वहीं पर रहती है मंदिर में, इनका धागा छोटा है। देखना बेचारे, ये ले लेंगे। अबे नीचे गिरेगा तो मिट्टी में गिरेंगे यार, क्या करा हुआ है यहाँ पर। ओके गाइज, अब हम निकल रहे हैं सबके सब। हम कहाँ जा रहे हैं? सोनी दीदी भी हमारे साथ और हम सब जा रहे हैं वैसे शॉपिंग करने के लिए। सोनी दीदी को हम ना ड्रॉप कर देंगे उनके ऑफिस तक, क्योंकि सोनी दीदी के साथ शॉपिंग करने का मतलब मेरे लिए है नहीं तुम ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, मतलब इनको ऐसा है कि कुछ भी अच्छी चीज़ दिख रही है ना तो वो मुझे पहनाना है, इससे मैं इनको लेकर नहीं जाती अपने साथ शॉपिंग कराने, मेरी जेब खाली करवा देती है ये, है ना सोनी दीदी? बिल्कुल, इसीलिए लेकर जाती हूँ मैं, आपको पता है। हाँ हाँ, चलो सोनी दीदी सुबह के लिए। हाँ तो तुम मॉल जाओगी ना, तो ऐसे आगे बोलने में, आप नहीं जाओगी मेरे साथ? मेरा नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देना। मॉल में थोड़ी शॉपिंग करने, सोनी दीदी क्या चाहती है कि ये तो आ नहीं रही थी, जबरदस्ती आई हूँ। हम लोग आए हैं सबसे पहले यूनिक्लो, यहाँ से हम लोग थोड़े से वार्म कपड़े लेंगे, मैं अपने लिए वार्म कपड़े लूँगी, उसके बाद हम घर जाएंगे। हमारी शॉपिंग डन हो गई सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में, और हमने यहाँ पर 2-3 प्रैंक भी किए हैं, वो आप NBR में देखोगे, चंदो और सैंडो के साथ प्रैंक हुआ, दोनों पति पत्नियों के साथ, आप NBR में देखोगे वो। बाकी अब हम चले, सोनी दीदी चली गई अपने ऑफिस, हम कार का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो ड्रॉप करने गई थी सोनी दीदी को, अब गाड़ी आएगी हमें ड्रॉप करेगी, है ना पुनी? हाँ हाँ हाँ, हम टैक्सी से भी चले जाएंगे क्योंकि तो यही थे, हमने तो देखा ही नहीं थे। इन दोनों के जो बीच में प्यार है, ऐसा प्यार मेरे और लखन के बीच में नहीं है। आपके हाथ रख दिया था कैमरे में, आपके भी बीच में नहीं होगा, आपके पार्टनर, इन दोनों के बीच में इतना प्यार है, हम लोगों के सामने बिल्कुल सीधे बन जाते हैं, जैसे हम दोनों ने मैं और दीदी उधर मुंह करेंगे वैसे ही दोनों। सो हम लोग आ गए हैं घर पर वापस, और काफी सारी शॉपिंग करने, काफी सारी शॉपिंग तो खैर मैंने नहीं करी। दीदी मेरी शॉपिंग कितनी देर में डन हो गई थी, सही बता? आधे घंटे में, दीक्षा, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना, मतलब मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ नो डाउट, बट मैं मॉल में जाकर शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं तो जाओ और जल्दी से भागो, इसलिए मैं किसी के साथ जा नहीं पाती। जैसे लखन मुझे फोर्स करते, चल चल आज मुझे शॉपिंग करनी है, बट मेरा मन नहीं करता, तो मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, मेरे सर दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे शूट करना है, मैं बहुत झूठी हूँ। लेकिन अगर मुझे बोला ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, एक घंटा बैठ जाओ, तो वो मैं कर लूँगी। चलो भाई आ गए, भूख लगी है दोनों को? कितनी? तुझे तो नहीं लगी होगी, सैंडो ने दिल्ली को चार बना रहा है आज चूल्हे पर खाना। कहाँ है हमारे बच्चे? तो तुम लोग जाना देखने, मेरे पास आता नहीं आता। ब्राउनी, हाय ब्राउनी, हाय,
चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनसे मिलिए, ये है प्रिया जो कि बहुत कामचोर है। है ये काम कैसा करती है? सही करती है, जल्दी करती है, सही करती है। चलो अब यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है। इसकी आदत अच्छी है बस। हाँ इसकी आदत है, सामान रख के मेरी तरह भूल जाती है। तो भाई हर किसी की आदत अलग अलग होती है। ऐसे क्या ये पागल है कुछ बोल गया? ये कहाँ भाग रहा है? आप कहाँ भाग रहे बेबी? हमारा गुची बेबी कहाँ है? मम्मी के पीछे भाग रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी। हाथ धो लो फिर खाना खाओ, समझे? सब आ जाते हैं लेकिन हमारा गुची नहीं आता। कहाँ है गुची? कहाँ पर गुची? ए गुची, गुची मम्मा आ गई है, आप उठ जाओ बेबी। ये देखो ब्राउनी कितना एक्टिव है। लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ गुची, यू आर वेरी लेजी। ये देखो इतना प्यारा बेबी है, रुक जा मुझे हाथ धोने दे। चलो चलो मैं तो ब्राउनी को लेके जा रही हूँ, ऐसे बोल के तभी बाहर आता है। अच्छा प्रिया एक काम कर, मेरी टोपी ढूंढ, टोपियाँ रखी होंगी तूने जो पेरिस में टोपियाँ पहनती, तेरे को दिखाती हूँ अभी। मेरे यहाँ पर सामान नहीं मिला क्योंकि इधर उधर हुआ था इसलिए खो गया। ये ऐसे क्यों भागे जा रहा है मुझे कोई ये बताए। हाँ बट यार मैं इनको बहुत मिस करूंगी और अपना चूल्हा बहुत मिस करूंगी जिसमें मैं डेली खाना बना रही हूँ, है ना दीदी? हम तो डेली चूल्हा देखना है मुझे। तूने देखा नहीं है? नहीं मैं ज्यादा एक छत पर है, ज्यादा एक कर। हाँ तो मैं उसको मिस करूंगी क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ उस पर बना रहे, चाहे वो रोटी हो, खिचड़ी हो, सब्जी हो। आलू की सब्जी भी बनाई, आलू टमाटर बनाए, पाकिस्तानी डिश बनाई थी आलू टमाटर की। बट यार मैं मिस करूँगी सब चीज़ को, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ होता भी होगा या नहीं, आई डोंट नो। बट क्या बोलूँ अब, मैं अब खाना ही खा लेती हूँ। लेट्स गो पम पम। मैंने जस्ट अभी रियलाइज़ करा कि मैंने इस गाड़ी का कुछ नाम नहीं रखा आज तक। ए भाई बटन कहाँ से? हाँ तो इसका नाम मैं रखूंगा पम पम। आप बता दो कोई अच्छा नाम आपके पास हो तो फिर मैं वही नाम रख दूंगा। सब गाड़ियों का नामकरण करूंगा मैं, ठीक है? गाइस मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, जब मैंने गिफ्ट्स दिखाए तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट नहीं दिखाया जो कि था मलिक फैमिली की साइड से। पायल दीदी, कृतिका दीदी मेरे लिए बैग लेकर आए थे जो कि बहुत ही सुंदर बैग है, और एक ड्रेस लेकर आया था जो मैंने पैक कर लिया अपने अपने ड्रेसेस के साथ। ये बहुत ही सुंदर सा बैग जो मैं दिखाना भूल गई थी क्योंकि हम लोग जब वैष्णो देवी से आ रहे थे तभी उन्होंने मुझे दे दिया था, और ये मैंने अलमीरा में रख दिया था अंदर, इसलिए मुझे दिखानी, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। तो बहुत ही सुंदर सा बैग दिया है और एक ड्रेस दी थी जो कि मैं अपने ट्रिप में पहनूंगी, तब आपको बताऊंगी कौन सी ड्रेस थी वो। सबको बोल दो मम्मा के साथ सोने जा रहा हूँ, बोल दो बोल दो। यार इसका सोने का मन है लेकिन मैं सो नहीं सकती, मुझे गाजर का हलवा बनाना है। तो फ्रेंड्स ये है नया iPad Pro और इसमें एडिटिंग भी हो सकती है, और इसके मैजिक कीबोर्ड अलग से है। ये दोनों मैं ले लेता हूँ साथ में, एक मैंने स्पीकर भी लिया मार्शल का मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ पूरे महीने के पास भी हो जाएगा एक। ये तो काफ़ी बड़ा साइज़ है, छोटा साइज़ में लिया एक, तो दो चीज़ हो जाएंगी। अब मेरे को पता है उनका टिपिकल डायलॉग ये सब लेने के बाद क्या होगा, बट मैं उसके लिए रेडी हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरा भी कुछ फर्क बनता है ना। ओ बेटी क्या बन रहा है बहनी? ये मैंने ना ये गाजर का हलवा देखो जो मैंने अपने लिए बनाया था, वो बहुत ही कम स्वीट में और गुड़ का बनाया था, लेकिन शक्कर का मैं सोनी दीदी को ना वो पसंद नहीं आया था क्योंकि उसमें ज़्यादा मिठास नहीं है। तो मैं सोनी दीदी के लिए ये हलवा बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं आज चली जाऊँगी, और सोनी दीदी को, हमारी दीदी को कुछ मीठा खाना पसंद है खाने के बाद। तो मैंने इसमें अच्छे से शुगर इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलाई है, बट बहुत ही अच्छे से हलवा बना रही हूँ दीदी के लिए, आई होप उनको पसंद आए। और राजमा चावल भी मुझे बनाने हैं उनके लिए, दोनों चीज़ बना के जाऊँगी वरना वो मुझे मिस करेंगी इसीलिए। तो आज हमारा डिनर होगा सबका साथ में, इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ रात के लिए, और अभी सिर्फ 4 ही बज रहे हैं। सोचो कितनी हार्ड वर्किंग है, मुझे चूल्हे में खाना बनाने का मन कर रहा है। प्रिया जला दे, जला चूल्हा। मगर क्या बनाएंगे उसमें? बिरयानी, वेज बिरयानी नाम की भी चीज़ होती है। अरे वो तो ठीक है, इतना टाइम नहीं है किसके पास, पैकिंग भी नहीं करी मैंने तो अभी। सोनी दीदी भी ऑफिस से आ चुकी हैं, और आप बताओ मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है, पिक वन। दोनों बनाया है तुमने मेरे लिए, गाजर का हलवा बनाया है और राजमा बनाने जा रही हूँ। हाँ क्योंकि आप मुझे मिस करोगी इसलिए मैंने आपके लिए दोनों चीज़ बना दी। ओके अच्छे से खाना पीना और थोड़े से मोटे हो जाना, ठीक है? और अगर तुम मेरे को ज़्यादा मिस करोगे मैं तुम्हें फ़ोन करती रहूँगी, और मैं तुम्हें शॉपिंग का सामान बता। नहीं 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 मैं नहीं मिस करूँगी, नहीं मिस करूँगी, मैं नहीं मिस करूँगी। तुम करोगी यार? नहीं करूँगी। कैसे लगेगा मेरे बिना, तुम्हारा मन कैसे लगेगा? ये बात तो मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन वैसे मैं सोनदीप से पूछ रही थी कि आपको शॉपिंग में क्या चाहिए, तो कहती है मुझे स्किन केयर ही चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए, है ना? अब मुझे मिस करोगी? बहुत सारा। कोई बात नहीं मैं बहुत जल्दी आऊँगी, ठीक है? अपने भाई को फ़ोन करना और बोलना जल्दी आए। अपने भाई को नहीं मैं तुम्हें करूँगी बस। ओके हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। तुम तो मुझे बहुत खुश लग रही हो झूठ बोलने वाली। सच में मैं खुश इस बारी ट्रिप पे नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है, बस इसलिए नई जगह एक्सप्लोर करूँगी इसलिए। तो लखनऊ को यही कर देते हैं मैं और तुम चलते हैं। नहीं नहीं लक्सू के बिना मेरा तो दिल नहीं लगेगा ना। लक्सू क्या होता है? लक्सू है वो मेरा नीटू। यहाँ पर मैं सोनी दीदी के लिए गाजर का हलवा तो बनाएंगी थी जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अब मैं उनके लिए ये भी बना रही हूँ मैगी, क्योंकि उनकी डिमांड है कि मेरा कुछ चटपटा भी खाने का मन है, तो मेरे लिए मैगी भी बना दो। तो साथ साथ में मैगी भी बन रही है, और अभी लखन का कॉल आया था
हम लोग पूनम दीदी को दे रहे हैं आईपैड गिफ्ट, तो उसकी अनबॉक्सिंग हम ऐसे करेंगे, हम उसके साथ पैंक करेंगे कि ये लखन का आईपैड है, ये तुझे खोलना है। तो जैसे ही वो ओपन करेगी, ओपन करने के बाद उसको ये तेरा है, अब मैं उसको फ़ोन करके बुला लूँ क्योंकि वो एक घंटे पहले ही गई है यहाँ से और वो इतनी आलसी है, आने में ही दो घंटे लगा देगी और लखन बस आने ही वाले हैं। कॉल कराया मैंने उसको, सो कॉल ही नहीं लग रहा है यार। पुनीत, मम्मी मम्मी तुझे क्या कहती है? पुनीत, मेरी मम्मी दीक्षा को कहती है रिक्शा रिक्शा, पुनीत को पुनीत। अरे मम्मी बहुत क्यूट है यार। सोनी दीदी, दीदी ने मुझे बहुत इरिटेट कर दिया सही में, उनको लग रहा है ना कि आज मेरे पास कुछ काम नहीं, क्योंकि आज मैं जा दीदी आ गई तू तो बिना फोन करे आ गई। इधर 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 सुन, ये मैं मैगी मैगी की साइड में देगी। मैगी खानी नहीं खानी? तू तो चंदो सब खाएगी। आजा आजा, मॉल में गए थे तो एक आंटी बताई क्या कहती, हाय चंदो हाय चंदो, सो तुझे कितने लोग प्यार कर रहे हैं, जल्दी शादी कर लो फरवरी में। और चंदो यू जा रही थी, हाँ हाँ मैं चंदो। एक और आए, एक और आए, देख बोली सोनी के लिए ये बना रही हूँ, तो पता क्या कहती है, मेरे लिए मैगी बनाओ क्योंकि मुझे चटपटा भी खाना है। गुड गुड गुड, मिक्स करवा लो इसको, दोनों का शेक बना लो एक। ये आप क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही है, पानी कहाँ से आया है मैगी में? यार मैगी तो पानी वाली होती है रसेदार। एक मिनट, ये इसे बना रही है, उसमें बताना कैसे बनाई है, बताना बताओ। गाजर से? गाजर कैसे? गाजर को ऐसे ऐसे काटो, शुगर डाल दो और ऐसे ऐसे मिक्स करते रहो। अच्छा ये ड्राई फ्रूट कहाँ से है? ड्राई फ्रूट्स वो। अच्छा मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? शुगर। अरे गलत, और क्या डालता है? कुछ डालता था नहीं, मेरी दीदी को ऐसे मत बोलना कुछ भी। भाई इसमें तुमने वो कितने डाले हैं मैगी मसाले? तीन। और ये कितने डाले हैं? तीन। तो एक एक्स्ट्रा डालना चाहिए ना? बजाओ बीन। हटो ना, किचन से बाहर जाओ। ए बाहर निकल मिस्टर बीन, ए बाहर निकल मिस्टर बीन। ये मतलब इतना डिस्टर्ब करती है ना सच में, कि ये बनाओ मेरे लिए वो बनाओ, इरिटेटिंग है बहुत ज्यादा। अभी देखो भाभी, देखो 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 कुछ नहीं, मैंने ऑलरेडी जमा मिर्ची मसाला बहुत डाले, मत करो मसाले तक की नहीं पता। आप स्पेशल नहीं हो इतनी, इसको खत्म करना तब तक मैं आ जाऊँ। और मैं बोलो सुनी अपना ब्लॉग बनाना डेली उठना, आज मैं जा रही नीतू का हलवा खाने और फिर गाजर का लगाएगी। तो क्या बोलते हैं? डेली डेली ये बनाती रहूंगी। भाई देखो सोनी दीदी ने बनाई मैगी, वाह 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 वाह। दीदी इसमें कितने कप पानी डाला था? ये चल रही है। दीदी इसमें पानी कितना डाला है ये तो बताओ यार, पहले से मिक्स तो होने दो। अरे तो मिक्स तो, अरे वो नीचे से जल जाएगी। अच्छा ये बताओ कितना पानी डाला था इस मैगी में? ये देखो कच्ची है, देखो इधर से दिख रही है। अरे यार मैं कर रही हूँ ना, इससे अगर किसी ने भी बात कर ली आज के बाद कोई इससे बात नहीं करेगा। मैगी शेक ना, मैगी केनी मैगी शेक। यार मेरा भैया खाया यार, वो सो रहे हैं, एक घंटा तो सोना है उनको। जब आप ही के पीछे लगे थे सोनी बोनी कब आएगी और उनको खाना कब मिल जाएगा? पूरी दिन का मतलब है। ये भी तो रखो साइड में हल्का सा, ये मिक्स कर लेना, फिर वो कभी स्पाइसी हो जाएगा कभी मीठा, कभी स्पाइसी कभी मीठा। देखो देखो देखो, देखो वो कैसे देख रहा है। हमारे पास जो आईपैड है वो पिंक कलर का है, तो बोलूंगा अपने लिए मैं लेकर आया हूँ, वो अनबॉक्स कर दूंगी एकदम से, उनको सरप्राइज दूंगा कि उन्हीं के लिए है। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। नीतू को मैंने कॉल कर लिया तो वो ऊपर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर ही देगी। सो गाइस मैं घर पर आ गया हूँ अपने लिए शॉपिंग करके ट्रिप से पहले, क्योंकि मुझे अभी रियलाइज हुआ कि हम ट्रिप पे जाएंगे और जब हम ट्रिप पे जाएंगे तो 16-18 घंटे की फ़्लाइट होगी। उस फ्लाइट में मुझे अपना एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना था। जो नीतू वाला आईपैड था वो है पिंक कलर का, मेरे हाथ में सूट नहीं करता भाई, तो मैंने अपने आप को एक तोहफा दिया है। सबके लिए मैं कुछ ना कुछ लाया हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जो पूरा मेडिकल लाया हूँ। पकड़ो ये खाना लाया, बचा कुचा। अबे तो दे, बचा कुचा मत बोलियो, इसमें तो थोड़ा आधा कस्सा खाया है उसमें। दोस्त से बचा के खाना। फोन ये मिल रहा है, ये कम है। मैं नॉनवेज खाता हूँ ना, तू क्या मुझे बदनाम करने पे लग रही थी वो टाइम? हाँ ओके दीदी, आपके लिए भी गिफ्ट आया बहुत। ये तो आ जाए यार, तू तो अनबॉक्स भी नहीं कराती। अबे यार भाभी कैसे बच्चे आप, कहीं भी देखो गीला कर जाते हैं। ओके ऐसे होते हैं। ओके गाइस सबसे पहले तो हमारी ट्रिप के लिए एक बहुत स्पेशल चीज, दुख दुख तीन तीन मार्शल रखे हैं।
नहीं तो ट्रिप के लिए, ये सिर्फ ऐसा जो हम ट्रिप पे ले जाया करेंगे। क्यों आ ना अनबॉक्स करना आ, तू भी आ यार, ये क्या मैगी खा रही आराम से बैठ के, यार वो खाने दो। अरे आजा पूरे में आ जाओ यार, आ जा यार, अरे तू भी आ ना। कितने लोग हाथ लगाएंगे? अरे सब हाथ, सब लगाओ, माला भी पहनाओ भैया को। ये कई सारे नेता लोग आते हैं, एक बेचारे गरीब घर में एक केला देते हैं और छह सात लोगों ने हाथ लगा रखा है, मैंने मीम देखा था। अरे हट यार तू, मुंह मीठा करा रही हूँ। ये मीठा हो रहा है? ओके गाइस, ओह शिट, अभी अनबॉक्स हो जाता था, अभी बॉक्स हो जाता। स्पेस नहीं, रुको, स्पेस इज स्पेस। दिस इज माय न्यू मुझे दे देना, सच्ची दे देना, आपको नहीं चाहिए। अरे मैं रख लूं, पिछली बार जब मैं वहां गया था ना तो इसका पसंद आया था, उसने दिया नहीं था, याद है? मुझे छोटा सा वाइट पसंद आया था। अरे ये ज्यादा अच्छा है भाई, ये भी ट्रैवल के लिए, देख रहे हैं, ये भी ट्रैवल में कहां घूमती हूं, इनके साथ ही घूमती हूं। अरे मैं कहीं भी जाने को लेके रास्ते में जाऊंगा। ओके ओके गाइस, सुनो तेरी कसम, ये तेरे लिए, वन खड़े हो, वन मार्शल उन्हें पहले से ही थोड़ा सा है, उससे थोड़ा दूर है, बच्चा एंजॉय कर रहे थे। ओके गाइस, ये क्या हो गया भाई? सुनो आपको नहीं चाहिए, अब मेरे हाथ में पिंक आईपैड नहीं दिखेगा आपको, और ये प्रो है तो इसमें एडिटिंग का काम भी होगा। मैं खोलती हूँ इसको, ये तो आराम से, और ये 516 GB, 512 कैसे खोल? 512 दिमाग है। अरे वो ये अपनी कंपनी है ना, सही से पकड़ो भाई। ओ भाई भाई, भाई। जब से नीतू नहीं नहीं अब तो मैंने जब शादी सबका दिया ना भाई, मैं इसका वो लेके आया हूँ पहले एप्पल केयर प्लस, और इसके साथ मैंने एक और वो ऑर्डर करा मैजिक कीबोर्ड, वो कल हमारे घर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन कल फायदा क्या, हम तो जाऊंगे नहीं, हम तो जाऊंगे US। खुल गया, खुल गया सेम सेम। कितने का है? 512 मारा बेटी नहीं, सॉरी मेरे को पता ही शीशा मेरा, अगर इसका आईपैड मैंने तोड़ दिया था गलती से, और मुझे जस्ट आज रियलाइज हुआ कि इस बेचारे के पास वो आईपैड में लाना ही भूल गया इसका, तो आज मैं तेरे लिए आईपैड लेके आऊंगा वाला, और प्रो है, इसमें एडिटिंग का काम हो जाएगा तेरा, मैजिक कीबोर्ड। सुन सच में रोना आ रहा है? अरे सुन ले, मैंने मैजिक कीबोर्ड ऑर्डर कर, ओ क्या इनको नहीं चाहिए मेरा, सुन 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 सुन, मैजिक कीबोर्ड किया मैंने साथ में, वो कल डिलीवर हो जाएगा, आज मैं खा ली, ठीक है? एप्पल केयर प्लस इसका है ताकि दोबारा अगर टूटे किसी से तो कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, अरे सुन चुप कर दो, और दूसरी बात इसका वो मैजिक कीबोर्ड कल घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? अरे तेरा टूट गया तो क्या हुआ? अब यार एक बात सुनो, ये हमारी वीडियोस में डेली फीचर करती है, बंदी एक पैसा नहीं लेती, और मतलब मुझे इतना वो लगता है, अभी देखो ये 50 रुपए कितना ब्रांड इसने किया, अपने लिए कुछ नहीं लेती यार, तो हमारा फर्ज बनता है भाई, हमारी टीम मेंबर, ठीक है? ये बात बहुत सेल्फलेस है यार, वो वीडियो बनानी थी अभी भी, कैसे बनाई थी टीम मेंबर, कैसे एप्लीकेशन दे दिया? एप्लीकेशन नहीं, तू भी टीम मेंबर है, तू भी, हां तू भी है, मेरा फोन टूट गया, चल ला तो देते हैं। अब तेरे किस काम का, तेरे किस काम का ये? दीदी से वैसे कहते हैं, नन भाभी माधव जब तो आती है, आती तो है नहीं, मैं पर बोलता हूं दीदी को, दीदी तेरे को आना चाहिए यार, नहीं आने लाइन में प्रेम ऊपर से निकल जाएगा, गजब बेइज्जती है। पुनीत पुनीत नहीं मतलब मैन, तू मेरे से छोटा है, ऊपर से मेरा भाई है, ऊपर से बकवास, ऊपर से एक चीज और नहीं पता भी कि हम तो चले जाएंगे, ये तेरे साथ ही रहेगा यहाँ पे, ये क्या है, ये तो कुछ पागल है क्या? एक बार मैं कोई सा नॉर्मल नहीं है हमारी टीम, लेकिन
अब ऐसा नहीं है कि ये मिल गया वो मिल गया, कवर मिलाना, कवर खुद लाना, ग्लास टेम्पल चढ़वा दिया। नहीं नहीं कवर की जरूरत ही नहीं है ना, वो मैंने मैजिक कीबोर्ड मंगा दिया, सुबह तक डिलीवर। आज उसको था नहीं, पेमेंट वेमेंट सब कर दिया, सुबह आ जाएगा अपने आप। ठीक है कौन सी लेके जाएगा बता, मतलब जाएंगे कौन कौन? मैं, नीतू, तू छोड़ने चलेगा साथ में? ड्राइवर लेके जाना नहीं? ए, इसको पहले तो रोना सीखा सही से यार, मेरे व्यूज कम हो जाते हैं, इसको रोना सही से आना चाहिए। हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ड्राइवर लेकर जाएंगे भाई। हाँ फिर ये नहीं जा पाएगा ना रोहित हमारे साथ। अच्छा दो गाड़ी ले चलेंगे भाई, तेल नहीं पेट्रोल बोला कर, ये क्या तेल डलवा लेना? हाँ ये बोल पूनम बहन, याद रखना आपके तीसरी बार नहीं आएगा तो यही रख दिया से। नहीं रख रही उसके बॉक्स में। कहाँ जा रही है तू? शूट करने। बाय। तो भाई लास्ट मोमेंट में अगर आप काम करोगे तो ऐसे होगा जो मेरे साथ हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही कपड़े लेके जाने हैं। सुधीर आ गया हमारी मदद कराने, और सुधीर का इस घर में सिक्का चलता है क्योंकि सुधीर के ऊपर सीधो हाथ है नीतू। हमारी कहाँ सुने सुधीर? सुधीर यहाँ से घर से जैसे निकलेगा ना, उसके बाद सुधीर की शर्ट के सारे बटन खुल जाएंगे। अच्छा ठीक है, स्कूटी में बैठेगा, शर्ट ऐसा उड़ेगी, पीछे स्कूटी ऐसा भागेगा जैसे धूम में उड़ती है ना वैसा करके। और अगर सुधीर से किसी ने रोड में चलते हुए बात कर दी, सुधीर अगर कॉल पे है, तो फिर उसकी खत्म वो इंसान। अच्छा जी। और ना पुलिस वाला चढ़ रहा, ना हेलमेट, ना कुछ, एक दो बार चालान बटवा दिया सुधीर ने। चालान करवाया था, ज्यादा कुछ नहीं है। सुधीर सुधीर इतनी टेंशन नहीं लेता है, तुम लोगों से टेंशन देते हो। अब वो है मस्त परिंदा बाहरों का। ये सिर्फ सुधीर दो लोग ऐसे इस घर में जो एक दूसरे के ही हैं बस। कौन कौन? सुधीर गुची का, गुची सुधीर का। सुधीर उसका ख्याल रखे भाई बहुत, ये बात है ना। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? गुची को घुमाने ले जाएगा 100 मीटर, खुद घूम के आएगा 200 मीटर। कहता ना है अभी तू बेटा कर ले सारी बात कर ले, ये भैया ये घर से कब निकलेगा? जब गुची को लेकर जाएगा। ठीक है, उतने टाइम में इसे जेपी के किस फ्लैट में क्या हो रहा है, किसकी मेड कहां से छोड़ के कहां जाएगी, वो सब पता है। सुधीर का अपना न्यूज़पेपर है जेपी का एक। सो गाइस हमारी ट्रिप से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है, दिया जलाना जरूरी है ताकि हमारी ट्रिप अच्छी रहे। और मैंने कोई लेदर जैकेट नहीं पहनी, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, इसलिए पहले बता दूं ये सिंथेटिक है, लेदर जैकेट पहन के नहीं बैठता मैं मंदिर, लेदर जैकेट ही नहीं मेरे पास वैसे तो कोई। भगवान का आशीर्वाद हमारी ट्रिप अच्छी रहे, आशीर्वाद है तभी सब कुछ है भाई, भगवान का आशीर्वाद है कि हम जा पा रहे हैं, वरना तो मेरा सोचो हमेशा से ड्रीम था, अभी जाके क्यों पूरा हो रहा है ना, आशीर्वाद जब भगवान का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा सामान पैक मैंने कर लिया है, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो मैं खुद लेके जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए रोहित मेरे को इंस्टा 360 यूज़ करना सिखा रहा है, तुषार ने मेरे को गिम्बल सारे लगाना सिखाया और ट्राइपॉड लगाना सिखाया अभी, क्योंकि मैं वहाँ जाके चाहता हूँ कि हमारी ट्रिप पे मैं सारे अच्छे अच्छे शॉट्स डालूँ, इसलिए सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। अब रोहित मेरे को सिखा रहा है मेरे फोन में इंस्टा 360, ताकि आपको एक अलग POV मिले हमारी वीडियोस में, हमारे व्लॉग्स में। सो गाइज ये हमारा इंडिया में इस साल का लास्ट भोजन है, इसके बाद हम सीधा खाएंगे जिस भी नई जगह जा रहे हैं वहाँ पे। तो राजमा चावल बनवाया मैं नीतू से ट्रिप से पहले, क्योंकि मन कर रहा है कि यार फिर पता नहीं कितने टाइम मिस करूँगा इसको। नीतू डिसअपॉइंट नहीं करती सब जो जी, वाह मैं आ गया। तो अब दीदी भी यहाँ पे खाने आ गई है, नीतू ने इसके लिए भी राजमा बनाया, इसके लिए भी नहीं लिए बनाया है, सही बता? हाँ तुम्हारी कसम, तूने मेरे लिए नहीं बनाया था, तुम तो कुछ भी खा लेते हो। और इसको देखो भाई, आलू टमाटर से चावल खा रहा है, पहला कॉम्बो। खाना ही खाती हूँ। नहीं सबसे अच्छा कॉम्बो मेरे को पुणे से लगा, आलू टमाटर विद चावल। नहीं वो भी मटर मशरूम भी है। क्या है? मटर मशरूम मिक्स किया है तीनों। दस दिन दो दिन रुक जाओ ना, मैं जब तक आऊँ घर में खत्म मिलना चाहिए, कहीं खाऊं यहाँ। और आप भी लंच में डेली पैक कराऊंगी आपके। चलो गाइस मिलते हैं, बाय 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 बाय। ठीक है बैग हमारे रखवा दो चारों। नीतू का है हमारी,
नीतू भी आ रही है। बाय बाय बच्चों, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मेरी जान तू तो बड़ा हुआ मिलेगा मेरे को 15 दिन बाद, इसका कुछ कदकाठ ही बढ़ जाएगी होगी। बेंच को उठा के लिए पर दोची सैड हो जाता है, इसको सबसे पहले पता चलता है हम कहीं भी जाते हैं तो। बेतू मुझे पता है तू सैड हो गया है, पापा लक्ष्मी पापा तेरे लिए कुछ लेके आएंगे ठीक है। देखो उधर मुंह कर लिया, बात ही नहीं कर रहा। देखो हे भगवान, दोची किस कर दो, एक किस। शिट गोजी गुस्सा हो गया। कुछ लाना तुम्हारे लिए? नहीं, नहीं, किसी के लिए कुछ लाना बता देना। हाँ, हाँ, जो लाना सब ले आना ठीक है। बाय 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 गाइस, टेक केयर। हां बाय, ध्यान रखो कि मुझे कॉल पे जाना मेरे अपने। नीतू लेट हो रहा है। बाय 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 बाय, मिलते मिलते ठीक है। चल ख्याल रख अपना ठीक है। चल बाय ठीक है पूनम मैम। बाय बाय ख्याल रखियो पूरे घर का ठीक है। दीक्षा बाय बाय। अच्छा हैव अ सेफ जर्नी। हां ठीक है, चलते रहना। सामान और सुन, एक इसका पासपोर्ट के और ये जो है अरे वीजा वगैरह, ये एक फोटो स्टेट सेट और ले जाना। अच्छा सेंटा इधर से आए हैं आज है? आ जाओ। अब हम लोग निकल रहे हैं मिलकर सबसे, मगर बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर, इतनी ठंड है वहाँ की ठंड तो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गाइस हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए, मेरी ड्रीम ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के दे पाऊँ। सारा सामान रेडी है अपने पास, और प्लीज ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। मुझे तो पता नहीं होगा मैं फ्लाइट में होगा, 18 घंटे की अपनी फ्लाइट है। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय इंडिया, मिलेंगे जल्दी न्यू ईयर के बाद। तो इस साल का इंडिया का हमारा ये लास्ट ब्लॉग है। ओके आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सारा प्यार देने के लिए। बाय बाय।